साझेदार की मृत्यु होने पर डेथ ऑफ पार्टनर, जब मृत्यु होती है तो नए लाभ अनुपात ज्ञात करते हैं, फायदे का अनुपात ज्ञात करते हैं, रिजर्व को बांटते हैं, संपत्ति का रिवैल्यूएशन करते हैं और गुडविल का एडजस्टमेंट करके, ये सब भी हमने कर लिया और उसका लाभ हिस्सा ये भी कर लिया। अब है आपके लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी दो प्रकार होती है आपके, उसके मरने के बाद अब मिलती है तो कौन सी, एक तो होती है आपके पृथक पृथक हर एक व्यक्ति पर पॉलिसी ले रखती है और एक है आपके संयुक्त पॉलिसी। चाहे पॉलिसी अलग अलग लो चाहे संयुक्त लो, पूरा पैसा फर्म ही चुकाता है, फर्म की तरफ से ही पॉलिसी होती है। तो जब भी उसकी डेथ होगी तो पूरे पूरे पैसे वो अकेला नहीं ले जाएगा, अलग अलग है। एक ही मृत्यु हो गई है फिर भी पॉलिसी पैसे सबको मिलेंगे, क्योंकि ए ने अकेले नहीं चुकाया पैसा, वो सबका पैसा था जो वहां किस्त चुकाई जाती थी हर बार, तो किस्त चुकाने के लिए सबका पैसा काम में जाता था। उसकी मृत्यु होने के बाद जो पैसा आएगा वो भी इस सभी काम मिलेंगे, वो भी आपके जो यानी के ए बी सी, मान लो ए की मृत्यु हो गई है तो बी और सी को भी मिलेगा पैसा, क्योंकि जो पॉलिसी पैसा उनके लिए गया था, जिससे पॉलिसी करवाई गई जिन पैसों से, उसमें बी का पैसा था और सी का पैसा था। हाँ, घर पर खुद की अगर अलग से करवाई है, अगर मान लो पर्सनल पॉलिसी है तो ए को ही मिलेगा पूरा पैसा, लेकिन अगर फर्म से करवाई है तो पूरा पैसा फर्म का जा रहा है, फर्म में तीनों कमा रहे हैं तो तीनों को मिलेगा। अब एक पॉलिसी दो प्रकार होती है, एक होती है व्यक्तिगत और एक होती है संयुक्त। व्यक्तिगत तो होती है आपके हर एक व्यक्ति पर अलग अलग पैसा लगाना, मान लो कोई व्यक्ति की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा पॉलिसी लगाएंगे, कोई व्यक्ति की मान लो वैल्यू वहां पर कम है फर्म में नहीं हो तो भी चलेगा, उसके लिए गुडविल क्या होती है उसकी पॉलिसी ऐसे भी कम होती है। और संयुक्त में क्या है, सब एक समान, सबका एक साथ प्रीमियम भर जाता है, एक ही राशि होती है आपके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की और एक ही प्रीमियम भरते हैं। यहाँ पर आपके अलग अलग पॉलिसी है तो अलग अलग प्रीमियम भी चुकाते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है जिसकी मृत्यु होगी उसका पैसा ही मिलेगा। अब एक ही मृत्यु हुई है तो एक का पैसा मिलेगा, तो वो आपको बैंक में लिखना पैसा है। फिर आपको सब में बांटना है, तो बांटने के लिए आपको सरेंडर वैल्यू के साथ में लेना है। तो सबसे पहले आपके नंबर वन पृथक पृथक पॉलिसी, या ऐसे व्यक्तिगत पॉलिसी भी कहते हैं, मतलब इंडिविजुअल कह सकते हो आप, इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल, सबकी खुद की पॉलिसी। इस स्थिति देखो सबसे पहले स्थिति क्या है, इसमें कहा है प्रत्येक साझेदार के जीवन पर प्रत्येक प्रत्येक जीवन में पॉलिसी कंपनी से लेती है और इसे व्यक्तिगत या प्रत्येक प्रत्येक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप प्रत्येक प्रत्येक भी कह सकते हो, व्यक्तिगत भी कह सकते हो। प्रत्येक पॉलिसी को डे प्रीमियम फर्म ही चुकाती और पूरा पैसा फर्म ही देती है, कोई पार्टनर खुद नहीं देता, और फर्म द्वारा चुकाया गया प्रीमियम की स्थिति में साधारणतः खर्चा ही माना जाता है, और प्रत्येक प्रत्येक है तो स्थिति एक ही खर्चा मान, सिंपल। हाँ, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो खर्चा भी मान सकते हो, संपत्ति भी मान सकते हो, रिजर्व भी। इसमें तीन स्थितियां हैं, इसमें केवल आपकी एक स्थिति प्रीमियम का क्या मानना है, खर्चा मानना है। तो खर्चा मानोगे तो कहां से चार्ज करना पड़ेगा, पीएनएल से। फर्म द्वारा चुकाया गया प्रीमियम आय खर्चा है और लेखा वर्ष के अंत में इसे लाभ हानि से चार्ज किया जाता है। किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त मृतक साझेदार की पॉलिसी की राशि तथा देह जीवित साझेदार की व्यक्तिगत पॉलिसी जोड़कर सभी साझेदारों में उनके लाभ अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब जो पैसा आएंगे उन पैसों को तीनों में बांट देंगे। अब देखो एंट्री क्या है, देखो सबसे पहले एंट्री तो है आपके प्रीमियम चुकाने की, जो भी प्रीमियम है वो चुकाने पर, मतलब ये वाला 3,000, 2,000, 1,000 तीनों साथ में कितना होता है 6,000 रुपए, ये चुकाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR2, बैंक भी लिख सकते हो और कैश भी लिख सकते हो। कितना है जैसे मान लो 6,000, तो 6,000 की एंट्री आप कर सकते हो। ये एंट्री आपको हर साल करनी है और हर साल के एंड में इसे कहां भेजना है आपको, पीएनएल में ट्रांसफर भी करना है। पीएनएल अकाउंट DR खाते बंद करेंगे तो ये DR क्या हो जाएगा आपके CR2 इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे यहाँ 6,000 है तो हो जाएगा आपके 6,000 6,000। ये तब तक करेंगे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, चुकाते रहेंगे। ये तब तक करनी है आपको, 1 साल 2 साल 3 साल जब तक है तब तक एंट्री चलती रहेगी। जैसे मृत्यु होगी तो क्या होगा, अब मृत्यु होने पर दो स्थिति हो सकती है, अब मृत्यु हुई तो आपके पैसे उसी वक्त मिल जाएंगे या 2 दिन का गैप होकर मिलेगा। तो मालूम मृत्यु देखो मान लो मृत्यु हुई आपके 5 अप्रैल को, ये तो हुई है मृत्यु और आपको तो राशि मिलती है
राशि जो प्राप्त होती है उसकी तारीख मान लो आपके तारीख की 8 अप्रैल, तो आपको एंट्री दो करनी पड़ेगी, नहीं तो आप एक एंट्री करोगे तो क्या, जैसे मान लो अलग अलग है तो फिर दो एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री हो जाएगी आपके इंश्योरेंस कंपनी टू लाइफ पॉलिसी, जो पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लाइफ पॉलिसी, ये तो है आपको इस मृत्यु होने की तारीख पर क्लेम करना फर्म में, उसी दिन क्लेम करेंगे कि शायद आपकी मृत्यु हो गई है, आपको हम कह रहे हैं कि आप जब हो हमारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर देना, ये किसी मृत्यु हो गई है, हम प्रमाण पत्र ला देंगे आपको, तो ये तो है आपकी लाइफ पॉलिसी एंट्री। अब मान लो ये तो होगी आपकी 5 अप्रैल को, ये तो आप वहां पर दावा प्रस्तुत करोगे, और फिर 8 अप्रैल को पैसा मिला तो क्या हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट DR। आप अगर मान लो मृत्यु 1 तारीख को हुई है, आप 5 को 10 को कभी भी आप दावा प्रस्तुत कर सकते हो, जब करोगे दावा प्रस्तुत के अब पैसा आप जब भी मांगोगे इंश्योरेंस कंपनी से तब ये एंट्री होगी। और अगर उस दिन पैसे नहीं दिए उसने और 2-3 दिन बाद में दिए पूरी जांच करके कैसे मृत्यु हुई, तो पूरी जांच देंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू लेने वाली कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, ये हो जाएगी आपके जब राशि प्राप्त होती है। अब आपने 5 अप्रैल को ही मृत्यु हुई है और 5 अप्रैल को ही आपके क्या हुई राशि प्राप्त होती है, तो दोनों की जगह आप एक एंट्री कर दो, इंश्योरेंस कंपनी DR भी है और CR भी, तो ये दोनों कर देंगे और ये DR और ये क्या हो जाएगा आपके CR, तो सीधा हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट DR टू हो जाएगा आपके लाइफ पॉलिसी। और ये पैसा कौन सा होगा, केवल जिसकी मृत्यु होती है उसके पैसे से, जैसे मान लो एक की मृत्यु हुई है 1 30,000 आ जाएंगे आपको, जैसे 1 30,000 है तो 30,000 आपके यहाँ आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 30 30 30 30 4 वाले का पड़ रहा। फिर ये वाले जो लाइफ पॉलिसी को कहाँ बांट देंगे हम, लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR टू ए में भी बांट दो, टू बी में भी बांट दो और टू सी में भी बांट दो। कौन से पैसे बांटेंगे हम, एक तो लाइफ पॉलिसी के पैसे प्लस सरेंडर वैल्यू, उनका जो सरेंडर वैल्यू है वो दोनों मिलाकर हमें इनकी एंट्री करनी है, से बांटेंगे। अब आप चाहो तो खाता भी बना सकते हो, अकाउंट भी बना सकते हो, अकाउंट क्या बनेगा आपके इंश्योरेंस प्रीमियम का, चाहो तो अकाउंट भी बना सकते हो, मतलब इधर चुकाना उधर प्रीमियम ट्रांसफर, चुकाया और प्रीमियम ट्रांसफर करते रहो। लेकिन देखो इसमें ये इंश्योरेंस प्रीमियम है और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये केवल लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ नहीं है केवल लाइफ पॉलिसी, पटक पटक लिखा हुआ है तो लाइफ पॉलिसी, और संयुक्त हो तो नाम आ जाएगा आगे जेल लग जाएगा, चाहे क्या हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो जाएगी। अब आपको अगर जैसे मान लो आप चाहो तो ये एंट्री करो जो मैंने यहाँ की सेम बस यही एंट्री करनी है, या आप चाहो तो खाता भी बना सकते हो, खाता बनाओ भी कोई होगा, खाता बनेगा आपके इंश्योरेंस प्रीमियम का, जैसे अकाउंट बनाओगे आप बिल्कुल अकाउंट में फटाफट हो जाएगा, जैसे ये चल रहा है आपके 1 अप्रैल 2008 को, हमने कह चुका है जो ये लिखा हुआ है ABC क्वेश्चन नंबर 8 है, ABC पार्ट दे रखा है, 2, 1, 1, 3 का अनुपात दे रखा है, पॉलिसी दे रखी है 30, 20 और 10 की, और प्रीमियम है आपके 3,000, 2,000, 1,000, ये तो है पॉलिसी मरने के बाद मिलेगी, और ये है आपके प्रीमियम चुकाते हैं हर साल चुकाते कब है 1 अप्रैल को, पॉलिसी कब ली है 1 अप्रैल 2008 को, और मृत्यु कब हुई है 1 मई 2012 को, 2012 जब तक नहीं आता तब तक हम हम प्रीमियम चुकाते रहेंगे और PNL में ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक, और फिर मृत्यु हो जाएगी तो पैसा बांट लेंगे, ऐसे पैसा बांटने के लिए या तो ये करो या फिर ये दोनों एंट्री करके लास्ट वाली एंट्री करो, दोनों में से कोई एक करना है। तो देखो 1 अप्रैल को हमने वो पॉलिसी ली है और उसी दिन हमने क्या किया प्रीमियम चुकाना स्टार्ट कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी टू बैंक प्रीमियम चुकाया, जैसे हमने यह एंट्री टू बैंक कितना आया आपके 6,000। फिर साल के एंड में 31 मार्च को हमने इसको कहाँ भेज दिया है PNL में, कितना आया 6,000। फिर वापस 2009 आएगा, फिर से लिखेंगे टू बैंक, यहाँ लिख देंगे 6,000 रुपये, और वापस इसी तारीख को यहाँ लिख देंगे 22 PNL में भेज दो 6,000 रुपये। फिर से 2010 आएगा, फिर से लिखेंगे टू बैंक, फिर से किस्त चुकाओ 6,000 रुपये की, और यहाँ लिख देंगे 22 PNL कितना 6,000। फिर से 2011
जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक चुकाते रहो और पीएल में ट्रांसफर करते रहो या तो एंट्री करते रहो। ये एंट्री हो जाएगी आपके पांच छह बार हो जाएगी एंट्री, देखो ये दो एंट्रिया, फिर से ये दो एंट्री, फिर से ये दो एंट्री, फिर से दो एंट्री, एंट्री करो बार बार। नहीं तो सिंपल फटाफट लिखना होता है, ऐसे खाते भी बना सकते हो। एंट्री पूछी है तो जनरल एंट्री करो। ये दो एंट्री हम आठ बार करेंगे, देखो कितना, दो दो एंट्रिया, एक दो तीन चौथी बार पांचवी बार होगी, ये आ जाएगा आपके बाई पी एंड एल, कितना आएगा आपके 6000, वह 2012 हो जाएगा टू बैंक किस चुका है, कितने जो किस हमने 6000। अब मृत्यु हो गई, फिर भी जब भी 31 मार्च आएगा तब 31 मार्च को हम पैसे कहां भेज देंगे, पी एंड एल, ये हो जाएगा आपके 6000 रुपए। ये कब भेजेंगे, जब 31 मार्च आएगा तब। अब इस सन को उसकी मृत्यु हुई कब हुई, 1 मई को, और ऐसा सवाल के अंदर कुछ दिया हुआ नहीं है कि मृत्यु हुई और पैसे कब आए, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, यही होगा सही, क्योंकि अलग अलग तारीख हो तो दो एंट्री करेंगे, एक ही तारीख हो, इसने कहा 1 मई को मृत्यु हुई और राशि प्राप्त हो गई, तारीख के बारे में दो दो तारीख लिखी हुई नहीं है, तो आप सिंपल एक एंट्री करो, या तो दो एंट्री या इसके स्थान पर केवल एक एंट्री करो सीधा पैसा आने की। तो ये करेंगे हम 1 मई 2012 को। देखो ये खाता किसका, इंश्योरेंस प्रीमियम का है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। हाँ अगर आपके यहाँ लाइफ पॉलिसी लिखा हुआ है तो आप इसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन ये तो प्रीमियम है, खर्चा माना हुआ है, तो खर्चा माना हुआ है तो प्रीमियम की एंट्री अलग होगी और इसकी आपके अलग। ये वाली एंट्री सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैसा आया बैंक अकाउंट DR2, ये हो जाएगा आपके लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी का पैसा आया किसका, जिसकी मृत्यु होगी, मृत्यु हुई एक ही तो एक का पैसा आएगा, एक का कितना देर का है 30,000 रुपए, तो एक आएंगे आपके 30,000। अब इस लाइफ पॉलिसी को तीनों में बांट दें, तो बांटो तीनों में, ये हो जाएगा आपके लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR2, ए में भी बांट देंगे, बी में भी बांट देंगे और सी में भी बांट देंगे, तो कितना 30,000 रुपए है, 30,000 तो है ये, प्लस कितना 3600 रुपए तो है आपके बी का सरेंडर वैल्यू और सी का सरेंडर वैल्यू दे रखा है 2400, टोटल कितना हो गया आपके 36,000 रुपए। ये 36,000 तीनों मार्ग है, अनुपात क्या है 2:1, 2 और 1 3 और कितने 4 हो गए, 4 का भाग छत्तीस कितना जाएगा 9 बार, 9 एकम 9 और 9 दिन कितना हो गया आपके 18। ये आपके सिंपल जब व्यक्तिगत पॉलिसी है तो आपको हर बार व्यक्तिगत पॉलिसी में ऐसे करना है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में बता दें।